चांगोटोला थाना क्षेत्र के ग्राम पाटादेही से एक बड़ी और जघन्य वारदात से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक शराबी पति ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार पाटादेही के कोटा निवासी राजकुमार वरकड़े 40 वर्ष और उसकी पत्नी अनिता वरकड़े के बीच आज किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी को लेकर शराब के नशे में धुत पति ने गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करते हुए हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना पर चांगोटोला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पंचनामा कार्रवाई कर पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल घटना के बाद फरार चल रहे आरोपी पति की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ग्राम पाटादेही में वो मतलब अनीता बाई है, उनके पति राजकुमार वड़कड़ है, उनके द्वारा कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया है। वहाँ जाके पुलिस ने जानकारी ली तो अनीता वड़कड़े पति राजकुमार वड़कड़े अपने घर पे मृत अवस्था में पाई गई। वहाँ उसका लड़का था मृतका का, तो मृतका के लड़के ने बताया कि उनके पिताजी ने उसकी कुल्हाड़ी से हत्या करी। तो घटना चांगोटोला थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनखार पंचायत के ग्राम पाटादेही की है। वहाँ राजकुमार वरकड़े ने अपनी पत्नी की हत्या कुल्हाड़ी से